सीताराम दोस्तों, आज हम एक विशेष औषधि के बारे में जानने जा रहे हैं। उसका नाम है चंद्रांशु रस। बहुत ही उपयोगी यह रस है और हमारे शास्त्रकारों ने इसको जो बनाया है तो ये बहुत उपयोगिता में आ रहा है। इसका विशेष उपयोग हमारे जो माताएं बहनें हैं और गर्भ की या फिर गर्भाशय की विकृति हो जाती है या फिर कई प्रकार की जैसे योनि समस्याओं से गुजरती हैं और जैसे गर्भाशय दोष हो गया, गर्भ नहीं ठहर रहा है, गर्भ में कोई विकृति आ गई है, गर्भ में सूजन आ गया है, बच्चेदानी में सूजन आ गई, इस प्रकार की समस्याओं में ये काम आता है। और योनि शोल में किसी किसी का योनि में दर्द कभी कभार उठ जाता है गैस का प्रकोप ज़्यादा हो जाने के कारण, तो उसमें भी यह बहुत अच्छा काम करता है। योनि पीड़ा में तो है, यह है जैसे दाह हो गया, कहीं कहीं बाथरूम करने में जलन होती है या दाह होती है या बर्निंग उस जगह में होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। और दोस्तों, जैसे भ्रष्टता हो गई, जैसे योनि अपनी जगह से, गर्भाशय अपनी जगह से हट गया, टेढ़ा हो गया, किसी प्रकार की विकृति आ गई, तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, यह बनता कैसे है और इसका उपयोग कैसे करें, ये हम आपको बतलाने जा रहे हैं। जो भी माताएं बहनें और भाइयों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और नहीं तो लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और शेयर करिए, जिससे अन्य लोग भी इस औषधि का उपयोग कर सकें। तो दोस्तों, इसमें जो है तो हमने शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक लेके कजली बना लिया है, फिर इसमें अभ्रक भस्म डाल दिया है, लौह भस्म डाल दिया है, बंग भस्म डाल दिया है और प्रत्येक को कजली में मिक्स करके, घोटाई करके हमने छोटी छोटी गोलियां दो दो रत्ती की बना के रख ली हैं। तो यह हमारे चंद्रांशु रस बन के तैयार हो गया। इसको दोस्तों मार्केट से भी ले सकते हैं, सभी दुकानों में मिल जाएगा, अच्छी अच्छी कंपनी सभी बनाती हैं। और चंद्रांशु रस आप कहीं से भी 100 150 150 के समथिंग समथिंग, 1 cc एग्जैक्ट रेट तो नहीं बता सकता, पर 150 के अंदर ही अंदर जो है तो डिब्बी मिल जाएगी मार्केट में और बहुत ही काम का। इसका गुण उपयोग क्या कैसे करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए जैसे हम किसी को सुबह शाम एक एक दे दिए, पानी के साथ दे दिए, अगर किसी का डाइजेशन सिस्टम बेकार ख़राब है या गैस बनती है बहुत ज़्यादा तो उसको जीरा पानी के साथ दे दिए, अगर किसी को जिसे मानसिक जलन हो रही है, मस्तिष्क में कुछ चल रहा है या फिर नींद आने की समस्या है या माइग्रेन बढ़ रहा है, उसको जटामासी के क्वाथ के साथ दे दिए। और इसी तरह हम अलग अलग रोगों में अलग अलग प्रकार से हम इसको देते हैं, किसी को अभयारिष्ट के साथ दे दिए, किसी को दशमूलारिष्ट के साथ दे दिए, इस प्रकार यह अलग अलग अनुपान पाने से अलग अलग काम करने लगता है। यह योनि के समस्त दोषों को ख़त्म करके औरतों में दाह जो पैदा हो जाती है, हाथ पैर में जलन हो गया, आँख में जलन हो गया और पूरे शरीर में बर्निंग समस्या आ जाती है, उसके लिए बहुत ही कारगर दवा है दोस्तों। इसका इस्तेमाल करें और इसको घृत कुमारी के रस के साथ घुटाई होती है, इस कारण से इसको जो है तो लीवर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें जैसे अभ्रक पड़ा है तो ये ब्रेन संबंधी सभी विकारों को ख़त्म कर देगा, धात पड़ती होगी उसको ख़त्म करेगा और हमारे नए सेल्सों का निर्माण करेगा। लौह भस्म है, ये आंतरिक रूप से ताकत देगा, मजबूती बनाएगा और लौह जैसा बनाने का प्रयास करेगा। और बंग भस्म है, ये हमारी धात वाली संबंधी और हमारे जो दाह प्रकरण चल रहा है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हम कमेंट्स बॉक्स में कुछ कमेंट्स करें और इसमें कुछ कमियां रह गई हों तो बताएं, उनको भी मैं दूर करूंगा। अगर आपको कोई समस्या है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उसमें जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।